सुनहरे फूल वाला पौधा। एक बार राजा कृष्णदेव राय कश्मीर गए, वहां से अपने साथ वो एक सुनहरे फूल वाला पौधा लेकर लौटे और माली को आदेश दिया कि वो पौधा बाग में ठीक उनकी खिड़की के सामने लगाया जाए और उसकी ठीक प्रकार देखभाल करे। माली ने वैसा ही किया। राजा रोज सवेरे उठते ही खिड़की खोलकर पहले पौधे को देखते, तब कहीं दरबार में जाते। यदि वो बगैर पौधे को देखे दरबार जाते तो उस दिन वो अनमने से रहते। एक दिन राजा ने देखा कि पौधा अपनी जगह से गायब है। उन्होंने तुरंत माली को बुलवाया। माली थरथर कांपता वहां आया। राजा ने उससे पौधे के विषय में पूछा तो वो कोई उत्तर न दे सका। सम्राट ने आवेश में आतुरंत माली को प्राण दंड की सजा दे दी। सैनिक माली को पकड़कर ले गए। माली की पत्नी ने यह सुना तो वो रोते रोते राज दरबार में पहुंची, लेकिन राजा ने क्रोध के कारण उससे मिलने से इनकार कर दिया। तब किसी सलाह पर वो रोती कलपती तेनालीराम के पास पहुंची। तेनालीराम ने उसे एक युक्ति सुझाई। अगले दिन सुबह सवेरे सबने देखा कि माली की पत्नी हर चौराहे पर खूंटा गाड़कर अपनी बकरी को डंडों से मारती फिर रही है। विजयनगर में पशुओं के प्रति निर्दयी व्यवहार पर प्रतिबंध था। सैनिक माली की पत्नी को पकड़कर दरबार में ले गए। राजा ने माली की पत्नी से बकरी को मारने का कारण पूछा तो वो हाथ जोड़कर बोली, अन्नदाता क्षमा कीजिएगा, इस बकरी ने आपका सुनहरे फूल वाला पौधा खाया है। ये बकरी निरही नहीं है, इसी के कारण मेरा घर तबाह हो रहा है, इसी कारण मैं विधवा बनने जा रही हूँ। आप ही बताइए इसके अपराध की सजा मेरे परिवार को क्यों मिले? आप जैसे न्यायप्रिय राजा के होते एक अपराधी बिना दंड पाए घूमती रहे और दंड उसको मिले जिसने अपराध न किया हो। सम्राट के चेहरे पर क्षण भर के लिए आश्चर्य की रेखाएं फैली, फिर जैसे सब कुछ समझ गए। माली को क्षमा कर मालिन से पूछताछ की तो पता चला कि इस योजना के पीछे तेनालीराम का हाथ था। राजा ने गलत निर्णय पर उन्हें समय से चेताई।